नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। बिहार में दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। इस पर उपचुनाव जहां जदयू अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस उपचुनाव में महागठबंधन की गांठ खुलती दिख रही है। हम गांठ खुलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजद के द्वारा कुशेश्वर स्थान में उम्मीदवार उतारे जाने के बाद से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन के बिखराव से एनडीए को ताकत मिलेगी। ऐसे में अब कहा यह भी जा रहा है कि राजद और कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवार होने से महागठबंधन के वोटरों में संशय की स्थिति है। संशय की स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो वोटर थे वो महागठबंधन को वोट करते आए थे। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम एक साथ थे, लेकिन अब जो स्थिति है उसमें कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, राजद ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन के जो कोर वोटर हैं वो अब किसे वोट करेंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी मतदान में समय है, लेकिन इसी महीने के आखिरी में मतदान होना है और वोटरों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें किसे मतदान करना है। इससे पहले यानी कि साल 2020 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट जदयू के पास थी। कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस दूसरे स्थान पर था, तो वहीं तारापुर से राजद दूसरे स्थान पर। ऐसे में अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यानी कि जदयू और राजद ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया है। यह उपचुनाव राजद और जदयू के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अगर जदयू की जीत होती है तो वे विधानसभा में उनकी मजबूती होगी, वहीं अगर राजद की जीत होती है तो राजद विधानसभा में अपनी मजबूती दिखाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया में कई बार बयान दे चुके हैं कि उपचुनाव के बाद सरकार बदल सकती है। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि दोनों ही गठबंधन के पास हार जीत का फासला बहुत ही कम है। ऐसे में तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें राजनीतिक पार्टियों के एक तिहाई विधायकों को तोड़कर ले जाना होगा। अगर तेजस्वी यादव यह कर पाते हैं तो वह सरकार बदल सकते हैं। फिलहाल दो सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम बात उम्मीदवारों की कर लें तो जदयू के विधायक शशिभूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये जदयू से उम्मीदवार हैं। जदयू ने इस सीट पर कार्यों के अलावा पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समेत स्वर्ण मतदाताओं पर भरोसा जताया है। यहाँ से कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बलेश्वर राम के पौत्र अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है अतिरेक कुमार। तो वहीं राजद ने जो है मुसहर जाति से गणेश भारती पर दांव खेला है। लोजपा यानी कि लोजपा की जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास में जदयू उम्मीदवार की स्वजातीय अंजू देवी को जो है उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है और हमने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि लोजपा जो है वो जदयू को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाई थी। इस बार भी इसी तरह की रणनीति के तहत जो है लोजपा चुनाव मैदान में उतर रही है। तारापुर सीट के लिए सबसे अधिक बैस और कुशवाहा वोटरों को माना जाता है। ऐसे में राजद ने बैस उम्मीदवार को उतार दिया है। राजद ने यहाँ अरुण साह को टिकट दिया है। जदयू ने यहाँ पे राजीव कुमार सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने राजेश कुमार मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। जदयू को इस सीट पर सवर्ण अति पिछड़े व पिछड़े वोटरों से उम्मीद है, तो वहीं राजद को कुशवाहा जाति से उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि वो राजद में यानी कि कुशवाहा जाति से जो उनके उम्मीदवार हैं वो जो है जदयू के जो कोर वोटर हैं उसमें जो है सिंधवारी कर सकते हैं। साथ ही साथ राजद की तरफ से MY समीकरण भी जो है वो भी सजता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजद जो है तारापुर विधानसभा सीट में जदयू और राजद के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, क्योंकि एक तो कुशवाहा जाति से वो राजद ने उम्मीदवार उतारे हैं, दूसरा MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों का जो है वहाँ पर गठजोड़ देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर स्वर्ण वोटरों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में जो है स्वर्ण वोटरों पर कांग्रेस जो है अपनी दिलचस्पी दिखा भी रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें लोजपा की, तो लोजपा भी जो है सवर्ण वोटरों की तरफ ही अपना झुकाव करती हुई दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि इससे बार बिखरे हुए विपक्ष से एनडीए को फायदा होता दिख रहा है। जिस तरह से पिछली बार लोजपा ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, जैसा कि जदयू के नेता बता भी रहे थे, लेकिन इस बार की स्थिति साफ उलट दिख रही है। ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि इन दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राजद और जदयू आमने सामने
दिख सकती है। हालांकि पिछले यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में जितना नुकसान लोजपा ने जदयू को किया है, शायद इस बार वह जो नुकसान विपक्ष के हिस्से में जा सकता है। ये तो पूरा घटनाक्रम जो है एक तरह से कहने की उपचुनाव के बाद हमारे सामने होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।